लो सुपर इन्वेस्टर्स आईटी सेक्टर का एक शानदार स्टॉक जो कि काफ़ी अच्छा है और लगातार ग्रो कर रहा है और लॉन्ग टर्म के लिए वन ऑफ द बेस्ट शेयर टू होल्ड। ये कंपनी जो है आईटी सेक्टर में, इनके क्लाइंट्स यूरोप और अमेरिका में भी है और आज का इसका क्लोजिंग था 1030 रुपीज़ एंड 52 भी खाया था 1175 रुपीज़। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इतने मार्केट की गिरावट में भी ये स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट नहीं हुआ एज़ कम्पेयर टू अदर आईटी स्टॉक्स। फंडामेंटली भी साउंड है, पी है ओनली 17 का, ईपीएस है 60 का, डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.06। और अगर हम लोग इसका क्वार्टर रिजल्ट की बात करेंगे जून क्वार्टर की, तो फ्रेंड्स जून 21 में इसका रेवेन्यू था 102 करोड़ रुपीज़, मार्च 22 में बढ़कर हुआ था रेवेन्यू 139 करोड़ रुपीज़ और अभी जून 22 में रेवेन्यू बढ़कर हुआ है 148 करोड़ रुपीज़। तो रेवेन्यू तो लगातार बढ़ा है। अब बात करेंगे कि इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे है। तो मार्च जून 21 में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 15%, मार्च 22 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 16% और अभी जून 22 में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 15%। तो 15%, 16% और 15%, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी करीब करीब उतना ही मेंटेन किया है कंपनी ने। बात करेंगे क्वार्टर रिजल्ट की, तो जून 21 में प्रॉफिट था 18 करोड़, मार्च 22 में प्रॉफिट था 18 करोड़ और जून 22 में भी प्रॉफिट था 18 करोड़। तो प्रॉफिट भी लगातार मेंटेन्ड है, ना बहुत ज़्यादा बढ़ा है ना बहुत ज़्यादा घटा है, मेंटेन किया हुआ है प्रॉफिट कंपनी ने। हालांकि तीनों क्वार्टर में अदर इनकम भी थी, जून 21 में अदर इनकम थी 7 करोड़, मार्च 22 में अदर इनकम थी 3 करोड़ और अभी जून 22 में भी अदर इनकम थी 3 करोड़। बट ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, ये पॉजिटिव बात है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी मेंटेन्ड है, तो इसीलिए कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी मानी जा सकती है। कंपनी का नाम है सैक्सॉफ्ट लिमिटेड, सैक्सॉफ्ट लिमिटेड कंपनी का नाम है जिसका क्वार्टर रिजल्ट अच्छा है। लॉन्ग टर्म का नजरिया होगा तो बाय ऑन डिप के स्ट्रैटेजी से आप इस शेयर को होल्ड कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।